हाय, हेलो, नमस्कार दोस्तों, आप लोग को स्वागत है किरण किचन में। मैं आज बनाने जा रही हूँ टमाटर सूप। मैं यहाँ पे काटी हूँ 3-4 टमाटर मीडियम साइज की, और 2-4 कलियाँ लहसुन की, और 1 मिर्च। और मैं उसमें डालूंगी नमक और मिक्स करूंगी, फिर ढक दूंगी। और उसके बाद से ओपन करके उसको चलाऊंगी। और गैस को ऑफ करके उसको उतार दूंगी, और फिर मिक्सर जार में डालकर उसको पेस्ट बनाना है। पेस्ट बनाकर छन्नी में छान देना है। और छन्नी में छान कर उसको मिक्स करूंगी, और मिक्स करके कढ़ाई लूंगी। कढ़ाई को गैस पर चढ़ाऊंगी, उसमें थोड़ा देसी घी डालूंगी, उसके बाद से गार्लिक पेस्ट डालूंगी, उसके बाद से मिक्स करूंगी। उसके बाद से उसमें टमाटो सूप डालना है। एक कप पानी, जीरा पाउडर छोटी चम्मच, पेपर पाउडर छोटी चम्मच, उसके बाद से ब्लैक सॉल्ट छोटी चम्मच, सॉल्ट छोटी चम्मच, उसके बाद से मिक्स कर देना है। रेड चिल्ली पाउडर 1 चम्मच, मिक्स करूंगी। उसके बाद से ढक देना है। एक बाउल लूंगी, बाउल में 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर पाउडर, उसमें 2 चम्मच पानी डालकर मिक्स कर दूंगी। अब हमारा ये कॉर्नफ्लावर पाउडर वाटर मिक्स हो गया। तब तक के लिए मैं ये टमाटो जूस चला देती हूँ। और ये टमाटो जूस तैयार हो गया है। अब मैं उसमें डाल देती हूँ कॉर्नफ्लावर वाला पानी और मिक्स कर देती हूँ।
ये सूप बन के तैयार हो गया। देखिए कितना गाढ़ा हो गया है। मैं उसमें डालूंगी धनिया पत्ता। धनिया पत्ता डाल दे रही हूँ और ये मेरा सूप तैयार हो गया। देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों ये मेरा सूप तैयार है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट में लिखना। कमेंट